time for the second semi-final of the UEFA Champions League for men, of course. और इसमें हमें बात करनी होगी शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एक्साइटिंग फुटबॉल मैचेस की, जो कि है डर्बी डेला मैडोनिना, यानी कि लिटिल मैडोना ऐसा कहते हैं, डर्बी डेला मैडोनिना के नाम से मशहूर है ये इटालियन डर्बी, ये मिलान डर्बी, क्योंकि यहाँ पे एसी मिलान और इंटर मिलान आमने सामने आने वाले। थोड़ा सा इतिहास देता हूँ, 1909 में पहली बार ये दोनों टीमें ना एक दूसरे से भिड़ी थी। अब दिलचस्प बात ये है कि ये एक ही स्टेडियम में अब खेलते हैं जिसका नाम है सैन सीरो, यानी कि एक ही होम स्टेडियम है। जैसे कि इंडियन फुटबॉल में जो मोहन बगान की टीम है और ईस्ट बंगाल की टीम है वो एक ही स्टेडियम यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम को अपना घर मानते हैं, कुछ ऐसे ही इटली में इमेजिन करिए कि एक ही स्टेडियम जो है वो दो बड़ी टीमों का, दो जायंट्स का जो है वो घर है। तो 1909 में पहली बार ये दो टीमें भिड़ी थी और 3-2 की स्कोरलाइन से तब एसी मिलान ने इंटर मिलान को हराया था। थोड़ा सा इतिहास आपके लिए इसलिए क्योंकि इंटर मिलान का जो सपोर्टर्स का क्लब है ना वो जनरली ब्यूर्जुआजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो अपर क्लास है वो इंटर मिलान को सपोर्ट किया करती थी वो 1900 के की सेंचुरी में, और जो एसी मिलान के सपोर्टर्स थे वो जनरली, मैं तो येलो कॉलर पहनो लेकिन ब्लू कॉलर वर्कर्स हुआ करते थे, यानी कि जो वर्किंग क्लास थी। यू कैन इमेजिन द क्लैश बिटवीन द टू, एक तरफ अपर क्लास के लोग इंटर मिलान के लिए स्कूटर्स में अपने वो लैम्ब्रेटास में जा रहे हैं मैच देखने, दूसरी तरफ एसी मिलान के सपोर्टर्स बेचारे चल के जा रहे हैं, तो उनके लिए जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो ये थोड़ा सा इतिहास है इंटर और एसी का। ये जब फैंस आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं ना तो भिड़ते हैं, काफी सारे क्लैशेस भी होते हैं स्टेडियम्स के बाहर, फ्लेयर्स दिखाई देते हैं, कुछ कमाल के बैनर्स और टीफोज नजर आते हैं, एक स्पेक्टिकल होता है जो आपको चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल हो या ना हो मिस नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं सेमीफाइनल का, क्योंकि यूरोप में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से मिलने वाले हैं। सीरिया में तो ऑब्वियसली हर सीजन कम से कम दो बार मुलाकात होती है, लेकिन यूरोप में सिर्फ तीसरी बार हो रहा है। 2003 का सेमीफाइनल याद आता है, तब एसी मिलान ने इन्हें हराया था, यानी कि इंटर मिलान को हराया था। 2005 का शायद क्वार्टर फाइनल था, उसमें एसी मिलान ने इंटर मिलान को फिर हराया था, यानी कि थोड़ी सी पलटवार की बारी है अब इंटर मिलान के लिए, और पलटवार कुछ हद तक हो चुका है क्योंकि एसी मिलान की टीम ये वो है जो कि डिफेंडिंग सेरिया चैंपियंस थी इस सीजन में घुसते हुए। उन्होंने 11 साल के बाद सेरिया का टाइटल जीता था, इस साल नापोली ने वो टाइटल जीता और नापोली को ही ये लोग सेमीफाइनल में हरा के अब पहुंचे हैं, सॉरी क्वार्टर फाइनल में हरा के अब पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जो मोमेंटम मिला है सेरिया चैंपियंस को हराने के बाद, याद दिला दे नेपोली ने भी सेरिया 1990 के बाद पहली बार जीता है जब मैराडोना उनके लिए खेला करते थे, तो एक छोटी मोटी टीम नहीं है नेपोली, तो उनको हरा के एसी मिलान जो है अब पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। अब एसी मिलान और इंटर मिलान की 3 मुलाकातें ऑलरेडी इस सीजन हो चुकी हैं, एक हुई थी पिछले सीजन जिसमें 3-2 की स्कोरलाइन थी, यप एग्जैक्टली दैट स्कोरलाइन जो कि 1909 में देखने को मिली थी, तब भी एसी मिलान जीता था, इसमें भी स्टेफानो पियोली की टीम जीती थी। और उसके बाद दो और मीटिंग्स हुई हैं इसी साल यानी 2023 में, एक इटालियन सुपर कप में जिसमें कि इंटर मिलान को जीत मिली, और एक फरवरी में जिसमें 1-0 से इंटर मिलान ने फिर से एसी मिलान को हराया। तो आप कहेंगे पलटवार की बारी इंटर मिलान की है या एसी मिलान की, तभी तो ये राइवलरी इतनी दिलचस्प है। अब लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर यू, सो लाइक आई टोल्ड यू इंटर मिलान एसी मिलान बीट नापोली इन द सेमीफाइनल्स इन द क्वार्टर फाइनल्स बाय एन एग्रीगेट स्कोर लाइन ऑफ 2-1 टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर देम। वहीं पे राउंड ऑफ 16 में इंटर मिलान ने पोर्टो को हराया था 1-0 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से, एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, इंटर का डिफेंस थोड़ा सा टाइट है, वो ज्यादा गोल कंसीड नहीं करते, पर वो करते हैं क्योंकि क्वार्टर फाइनल में क्या हुआ, उनके पास 3-1 की बढ़त थी और उसके बाद अचानक 3-3 की स्कोरलाइन हो गई सेकंड लेग में बेनफिका के खिलाफ, यानी कि 5-3 के एग्रीगेट से बेनफिका को हरा के अब इंटर मिलान सेमीफाइनल में पहुंचे। सो इट सेट्स इट अप नाइसली बिटवीन एसी मिलान एंड इंटर मिलान, योर पिक हु इज गोइंग टू विन। बट टॉकिंग अबाउट पिक्स, आई थॉट लेट मी गिव यू सम फैंटेसी पिक्स, क्योंकि इंजरीज की वजह से शायद एक प्रोबेबल 11 बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन अब देखते हैं कि फैंटेसी पिक्स के लिहाज से मेरी पहली पिक कौन है। My first pick for this Milan versus Inter mega massive mammoth clash is none other than Lautaro Martinez for Inter, and I'll give you some numbers for it. He's got the most goals for Inter, 23 goal or 9 assists unhone har competition mein mila ke is saal mare hain. Most shots on target yani ki 56, 6 goals hain jisme 2 braces involved hain aur 3 assists hain 6 games mein. यानी कि आपको बताता है कि ये बंदा जो है न केवल असिस्ट प्रोवाइड करता है, ये गोल मारता है, ये चांसेस क्रिएट करता है, ये शॉट्स लेता है। तो आप लॉटारो मार्टिनेज ऑफ इंटर मिलान को अपनी फैंटेसी पिक में जरूर शामिल करके रखिएगा। मेरी दूसरी फैंटेसी पिक है राफाएल लियाओ, जो कि एसी मिलान के लिए खेलते हैं। अब थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है राफाएल लियाओ का, क्योंकि सीरिया में जो पिछला मैच हुआ था उसमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा इंजर हुए थे, लेकिन इस मैच में होंगे या नहीं, अगर होंगे तो आपको लाइनअप्स मिलते ही पता चल जाएगा। तो प्लीज राफाएल लियाओ को अपनी टीम में डाल दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है मिलान के लिए, उन्होंने 13 गोल और 11 असिस्ट कुल मिला के दिए, दैट्स 24 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एवरेजेस ओवर थ्री शॉट्स पर 90 मिनट्स। सो फैंटेसी पॉइंट्स की बारिश हो जाएगी अगर राफाएल लियाओ फॉर्म में आ जाएंगे।
My third fantasy pick is Federico Di Marco of Inter Milan. Now, he's a very attacking wingback. 6 goal and 6 assists wo sare competitions mein mila ke. And in case you guys are confused ki sare competitions kya hai, to Europe, Serie A, Italian Cup, Super Copa, sabko mila ke jo competitions hote hain, usme inke 6 goal and 6 assists hain. Surprisingly, he averages 1.83 shots per 90 minutes, which just tells you that he doesn't mind taking a shot at all. So, shots ke zariye bhi aapko fantasy points dila sakte hain. Plus, passes ke zariye aapko fantasy points dila sakte hain because he averages about 40 passes per 90 minutes and he's a 90 minute player, this Federico Di Marco. To in pe apne dimag ko aur apni nazar ko bilkul bana ke rakhiyega. Joint second most chances created, इन्होंने 53 chances create किए Inter Milan के लिए in Serie A this season, has scored 2 goals in his last 4 matches including goals against teams like Roma and Juventus. So basically आप मेरी बात समझ ही गए कि Federico Di Marco को अपनी टीम में जरूर आपको रखना है. My next fantasy pick is the AC Milan guy, Theo Hernandez. Now, another attacking fullback, जैसे कि मैंने Federico Di Marco के बारे में आपको बताया, एक और attacking fullback आपको देते हैं, का option देते हैं आपको, Theo Hernandez. जब भी आप फैंटेसी टीम्स पिक करते हैं ना, थोड़ा सा फुलबैक्स और विंगबैक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो अटैक करते हैं, वो क्रॉसेस डालते हैं, वो पासेस कंप्लीट करते हैं, वो टैकल करते हैं, वो इंटरसेप्ट करते हैं. Theo Hernandez भी कुछ इसी तरह के खिलाड़ी हैं. 4 गोल 4 असिस्ट है उनके सारे कॉम्पिटिशन में. अब विंगबैक्स का काम गोल और असिस्ट देना ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन थर्ड मोस्ट पासिस कंप्लीटेड फॉर मिलान दिस सीजन, स्कोर्ड अ गोल इन द लास्ट गेम अगेंस्ट लाजियो एज वेल. सो समबडी टू कीप एन आई आउट फॉर, Theo Hernandez उनका नाम याद रखिएगा. माई फिफ्थ पिक इज निकोलो बरेला ऑफ इंटर मिलान. आप कहेंगे क्यों? Because he's had an outstanding season this time around. 8 goal और 8 assist उनके हर competition को मिला के हैं. He averages around 41 to 42 passes per 90 minutes, which tells you that he's got this great passing ability. He can pick a pass out of absolutely nowhere. Joint second most chances created 53, which I told you earlier as well for Federico Di Marco for Inter in Serie A this season. So that tells you that Nicolò Barella is a must have in your fantasy 11. जब भी आप fantasy की team बनाने जाएंगे. Moves me nicely towards my last fantasy pick for this great Derby della Madonnina, which is Sandro Tonali of AC Milan. Sandro Tonali is the chief creator in the midfield for AC Milan this season. He has 2 goals and 8 assists in all competitions. He has the most chances created for Milan in Serie A this season. Third most tackles and interceptions, so इसलिए अपना काम बखूबी निभाते हैं. Chief orchestrator है, passes भी बुनते हैं, tackle भी करते हैं, intercept भी करते हैं, और क्या पता आपको goals की बारिश भी दे दें, तो उसके साथ points की भी बारिश दे सकते हैं. So these are my fantasy picks for Inter Milan versus AC Milan, or should we say AC Milan versus Inter Milan, क्योंकि वैसे भी this is the shortest distance any team will have to travel in terms of the 2 away legs that they will have to play. तो Inter San Siro तक जाएंगे AC Milan से खेलने, AC Milan San Siro तक आएंगे Inter Milan से खेलने. कमाल का मुकाबला होने वाला है, and the winner of this will travel to Istanbul and travel as the away side and wait for the winner between Manchester City and Real Madrid. Hope you enjoyed the video. If you enjoyed it, आप अपने fantasy picks बताइए, मुझे अपनी first leg की scoreline बताइए, और बताइए कि किस player पे आपकी निगाहें सबसे ज्यादा होंगी इस match में. Hope you enjoy the video. Until the next time, it's goodbye.